बात बड़ी और अहम खबर के साथ करते हैं, तो बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। इस समय की बड़ी और अहम खबर है, भोपाल से बड़ी जानकारी है। अगले साल 1,00,000 सरकारी भर्ती की तैयारी की जा रही है और सरकारी भर्ती किए जाने के संबंध में जीएडी का आदेश भी आ गया है। सीएम ने साल भर में 1,00,000 नौकरियों की घोषणा की है और 23 सितंबर तक जेलों को इसको लेकर के जानकारी देनी होगी। तो राज्य स्तर के रिक्त पदों को पोर्टल पर फीड किया गया, तो बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। अगले साल 1,00,000 सरकारी भर्ती की तैयारी हो रही है, भोपाल से बड़ी खबर है और सरकारी भर्ती किए जाने के संबंध में जीएडी का आदेश भी जारी हो चुका है। सीएम ने साल भर में 1,00,000 की नौकरियों की घोषणा की है और अब इसको लेकर के 23 सितंबर तक जिलों को जानकारी जिलेवार देनी होगी और राज्य स्तर के जो रिक्त पद हैं उनको पोर्टल पर फीड किया जाएगा। तो बड़ी जानकारी है, 1,00,000 सरकारी नौकरी अगले साल तक देने की तैयारी शिवराज सरकार ने की है और साल भर के अंदर ही ये 1,00,000 नौकरियां दी जाएंगी। 23 सितंबर तक जिलों को इसकी जानकारी भी उपलब्ध करवानी होगी। बड़ी जानकारी है, राज्य स्तर के रिक्त पदों को पोर्टल पर फीड भी किया जा रहा है। बातचीत करते हैं रेजिडेंट एडिटर प्रभु पटेरिया जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रभु पटेरिया जी, कैसे देखें अगले 1 साल तक 1,00,000 सरकारी नौकरियों की बात की जा रही है, इन पदों को भरने की बात है, क्या जानकारी है? हाँ बिल्कुल आयुष, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की घोषणा है कि वो सरकारी नौकरियां देंगे, रोजगार के जो अन्य विकल्प हैं, स्वरोजगार के लिए जो लोन देते हैं उसके अलावा 1,00,000 सरकारी नौकरियां 1 साल में देने की उन्होंने घोषणा की थी और मुख्यमंत्री की घोषणा पर अमल में लाने के लिए तैयारियां सरकार के स्तर पर शुरू हो गए और जीएडी लगातार इसको लेकर जानकारियां एकत्रित कर रहा है। एक पोर्टल बनाया गया, उस पोर्टल पे एक फॉर्मेट में सारी खाली पदों की जानकारियां भरी जा रही है और जिस जिस जितने पद जिस हिसाब से खाली होंगे उनको फिर भर्ती करने की प्रक्रिया पीईबी के माध्यम से जो प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड है उसके जरिए शुरू की जाएगी और जिला और संभाग स्तर के पदों के जो संवर्ग हैं उनकी भर्तियों के लिए जिला स्तर की भर्तियां जिला स्तर पर भी करने के विकल्प पर विचार किया जा रहा है। एक तरीका है कि लोकल लोगों को, स्थानीय लोगों को ज्यादा से ज्यादा सरकारी नौकरी जो मिले, जो कि सबकी चाह होती है, हर पद जो इतने भी खाली पड़े हुए हैं तो उनको भरने के लिए ही ये तैयारी की गई है और स्टेट लेवल के जो है राज्य स्तर के जो पद हैं उनकी जानकारियां जीएडी ने इकट्ठी कर ली है, वो पोर्टल पे अपलोड भी होंगे। उसकी भर्ती की प्रक्रिया जैसे ही प्रक्रिया पूरी होगी वो शुरू हो जाएगी। इसके साथ ही संभाग स्तर और जिला स्तर की जानकारियां बुलाई जा रही है, उसके लिए 23 सितंबर की समय सीमा रखी गई है, 23 सितंबर तक उस जानकारी को मांगा गया है। आयुष, चलिए प्रभु पटेरिया जी बहुत शुक्रिया इस बातचीत और जानकारी के लिए।